जैसा कि आपने सुना, समय बहुत कम है क्योंकि आप बहुत लेट आते हैं, इसलिए आपके पास समय कम है। हमारे संत महापुरुष तो सुबह ही आ गए थे, लेकिन आप बहुत लेट आए हैं, इसलिए आपको कम सुनने को मिलता है। ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहना है, आपने जो वादा किया है भगवान से, बस उस वादे को याद दिलाने आपके बीच में हमारे स्वामी जी यहाँ पधारते हैं और हर वर्ष आपको याद दिलाते हैं कि आपने कोई तो वादा किया है ना भगवान से। सबने किया है वादा कि अब प्रभु कृपा करो ये भाती, सब तज भजन करूं दिन राती, सबको त्याग दूंगा और प्रभु दिन रात मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन इसका पूरा अपोजिट हो गया, दिन रात काम में लगे हैं और भजन एक मिनट भी नहीं होता है। जैसे एक सेठ ने एक व्यक्ति को सोने का पिंजरा दिया, बहुत सुंदर पिंजरा दिया और पिंजरे में तोता दिया कि जाकर के अपने घर में इसको लगाना, इसकी सेवा करना। वो पिंजरा अपने घर में लेकर आ गया, अब व्यक्ति उसमें तोता भी है और सोने का पिंजरा है, तो उस व्यक्ति को पिंजरा इतना सुंदर लगा कि उसमें जो रहने वाला तोता था उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो पिंजरा इतना सुंदर था कि उसमें कभी ध्यान ही नहीं दिया, अंदर कौन बैठा है ये उसे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और रोज उठता अपने पिंजरे को देखता, साफ करता और निहारता रहता। फिर जब निहार की आंखें बंद होती तो घर के काम कर लेता। ऐसे करते करते समय बीत गया और एक समय ऐसा आया कि जो उसके अंदर तोता बैठा हुआ था उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया क्योंकि उसमें ध्यान दिया ही नहीं। जब उसकी मृत्यु हो गई तो पिंजरे का क्या काम, पिंजरे कोई काम नहीं। जब वो तोता मर गया तो उसको बड़ा दुख हुआ, अरे मैंने इसमें तो ध्यान ही नहीं गया। उस तोते को निकाला और पिंजरे को अटारी पर रख दिया, अब उसको कोई काम नहीं। जब तक पिंजरे में पक्षी था तब तक उसकी वैल्यू थी, और जहां वो मर गया तो पिंजरा भी सोने का बेकार हो गया है। यही बात आपको संत महापुरुष बताने आते हैं कि जो सही रूपी पिंजरा दिया है ये भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। आप इसमें बहुत सारे फाउंडेशन लगाते हैं ना, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है उस पर कभी आपका ध्यान ही नहीं जाता। तो जब वो मर जाता है तो आपकी वैल्यू खराब हो जाती है। जो वादा अपने भगवान से किया है, अपने सद्गुरुदेव भगवान से किया है, उस वादे को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो वादा भूल जाएंगे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमें छोटी सी लीला गुरु महाराज जी की याद आ रही है, ये 1935 के आसपास की बात है। एक बार बात वादे की चल रही है कि जो हमने वादा अपने भगवान से किया है जब वो हम नहीं निभाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। एक बार परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी सात शब्दानंद जी महाराज श्री गुरु महाराज जी की सेवा करते, तो श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि चकौड़ी से चिन्नौर जाओ, कोई कार्य होगा तो भेजा होगा। जब वो तांगे पर चल दिए और जाते जाते बीच में कुछ भी हुआ हो वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो ऐसा हुआ कि जब लायक पर पहुंचे स्वामी जी तो उससे पहले उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी, उनको दिखना कम होने लगा। उन्होंने सोचा ऐसा क्यों होने लगा, ऐसा तो आज तक मेरे साथ कभी हुआ नहीं कि मेरी आंखों की रोशनी कम क्यों होने लगी। तो लायकपुर पहुंचते पहुंचते उनकी आंखें बिल्कुल देखना बंद हो गया। अब तो वो कहने लगे कि श्री गुरु महाराज जी की सेवा थी और मेरे पास धन भी है, ज्यादा है, मुझे दिखना बंद हो गया है, मैं कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा, कैसे जाऊं, कैसे उनकी सेवा पूरी करूं। तो ये बात वो सोच रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात और आई, उनके दिमाग में बात आई कि मुझे गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी थी कि चकौड़ी से सीधे चिन्नौर जाना, कहीं बीच में रुकना नहीं है, अपना काम मत करना, जो काम मैंने तुम्हें सेवा दी है उसको करके आना। लेकिन मैंने धोखा किया, मैं वादा करके आया था गुरु महाराज जी से कि मैं सीधे वहीं जाऊंगा, लेकिन बीच में 2 दिन मैं अपने रिश्तेदार के घर चला गया, मैं डायरेक्ट वहां नहीं गया, हालांकि गुरु महाराज जी ने मना करा था कहीं नहीं जाना है। 2 दिन मैं वहां अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुका, उसके बाद मैं चला हूँ। जब उसके बाद चला हूँ तो मेरी आंखों की रोशनी
कम हो गए, दिखना भी बंद हो गया। तो ये बात सोचकर उन्होंने मन ही मन श्री गुरु महाराज जी से क्षमा मांगी कि गुरु महाराज जी मुझे अपना अपराध, मुझे अपना पाप समझ आ गया है, प्रभु मुझे माफ कर दो, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी। बोलो सतगुरु देव भगवान की आंखों की रोशनी वापस आने लगी। तो देखो ये बात साल इस बात को कह रहे हैं संत महापुरुष कि आप भी कोई वादा करके आए हो भगवान से कि मुझे भी आपका भजन करना है, और अगर आप भजन नहीं करोगे तो हमारी भी यही हालत। आप निवेदन करो स्वामी जी से, गुरु जी से, सभी संत महापुरुष आए हुए हैं, निवेदन करो मोहे सुमिरन सिखा दो गुरु पैया पर, तोरे पैया पर तो से विनती करो, तोरे पैया पर तो से विनती करो, मोहे सुमिरन सिखा दो गुरु पैया पर। क्योंकि पहले ना ऐसे नाम नहीं मिलता था, बड़ा समय लगता था गुरु महाराज को रिझाने में, तब जाके कहीं आपको नाम दीक्षा मिलती थी। आज तो बहुत सरल हो गया है, लेकिन सरलता को अपोजिट ना लो, उस पर ध्यान दो, और जो हमारे संत महापुरुषों ने आपको बताया है उस पर चलो, तो इसी में हम सबका भला होगा। तो ज्यादा ना कहते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो सर।